एक कहावत है कि दूध से जला हुआ व्यक्ति छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो इस कहावत को हम आज सिद्ध करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज का विषय है हाउ टू टेक केयर ऑफ योर प्लांट फ्रॉम फंगस। किस तरह से हम अपने पौधों को फंगस से बचा सकते हैं, फफूंद से बचा सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो नमस्कार सभी को, गार्डनिंग एनिमी से मैं मुक्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और ये पौधा आप देख रहे हैं तो पूरे प्लांट में ही फंगस लग चुकी है। तो मैंने इसकी पत्तियां निकाल दी हैं और होममेड जो पेस्टिसाइड बनाया है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी आगे चल के। तो वो मैंने इसमें अच्छे से स्प्रे कर दिया है, पूरी इसकी डंडी में तने में स्प्रेड कर देना है आपको। पत्तियों को निकाल दिया है मैंने और आप अभी देख रहे हैं इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें जान बची हुई है। तो पहले तो इसमें जो फंगस लगी है उसको अच्छे से निकालना है हमको। और ये जो प्लांट आप देख रहे हैं मेरे कॉरिडोर में रखा हुआ था, तो वहाँ जनरली धूप वगैरह उतनी नहीं आती है, तो इसको मैं अपनी बालकनी में लेके आई हूँ और इस तरीके से इसको अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ पेस्टिसाइड से। इवन आप इसमें नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं और जो फंगिसाइड मैंने बनाया है तो वो भी यूज कर सकते हैं, तो उससे भी आपके प्लांट डाई नहीं होंगे, बच जाएंगे। बट ये प्रोसेस मैं आपको तब का बता रही हूँ जब मुझे लगा कि इससे ये क्योर हो जाएगा और मेरा प्लांट नहीं मरेगा। तो मैंने काफी सारा प्रोसेस किया था इसको बचाने के लिए और काफी दिन तक मैंने इसको धूप में भी रखा। इवन पूरी जो लीव है उसको मैंने हटा दिया और ऊपर की जो मिट्टी है उसमें भी मैंने इसको अच्छे से स्प्रे कर दिया। और इसके बाद आप देख रहे होंगे मिट्टी ऑलरेडी गीली है, तो इस कंडीशन में हमको अपने पॉट में पानी भी नहीं डालना चाहिए। वैसे ही डाई होने लगा था बट इसकी कंडीशन मैं आपको पूरी बताऊंगी। अभी आप देख रहे हैं तो मुझे लगा कि ऊपर की जो डंडी है उसको काट दूंगी तो आगे से वो ग्रो होने लगेगा, तो मैंने फिर इसकी प्रूनिंग कर दी और हाफ प्रूनिंग कर दी। पहले अच्छे से हमको प्रूनर को क्लीन कर लेना है और उसके बाद इसको कट कर देना है। आप देख रहे हैं तो मैंने इसको कट कर दिया और इसके बाद इसको ऐसा ही नहीं छोड़ना है क्योंकि इसमें अगेन फंगस लग जाएगा। तो जो आप मार्केट से भी एंटी फंगल मेटल वाला यूज कर सकते हैं अगर आप खाने वाला प्लांट नहीं है तो वो भी स्प्रेड कर सकते हैं। बट ये नॉर्मली मैं हल्दी का पानी में घोल बना के इसको स्प्रेड कर रही हूँ क्योंकि इसमें एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है हमारी हल्दी में भी। तो जनरली हमारे पास कई बार नहीं होती है फंगिसाइड, इसलिए मैंने इसको यूज किया। कुछ दिनों बाद मेरे ये प्लांट का नतीजा ये हुआ, आप ये देख रहे होंगे स्क्रीन में। प्रॉब्लम जो हुई थी इसकी जड़ में हुई थी क्योंकि जड़ से ही इसमें फंगस लग चुकी थी, तो धीरे धीरे वो प्लांट डाई हो चुका था। मुझे उसका बहुत ज्यादा अफसोस था। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये दो प्लांट जो गेंदे के हैं जो मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो एक प्लांट आप ये वाला देख रहे हैं तो इसकी कंडीशन भी आपको मैं बाद में दिखाऊंगी। आप ये देख रहे होंगे इसमें लकड़ी भी लग गई है और ये ऐसे ही लेके आई थी मैं। बट ये दूसरा वाला आप देख रहे होंगे इसमें बहुत ज्यादा कलियां थी और इसमें बहुत ज्यादा फूल वगैरह भी थे, तो ये मैं ऐसे ही दोनों प्लांट लेके आई थी। तो आफ्टर 10 डेज फूल वगैरह वो निकल चुके थे और इसके बाद समय समय पे हम प्रूनिंग करते रहते हैं, तो वो मैंने की रेड स्टेम वगैरह है वो भी हम निकालते रहते हैं। तो वो सारा प्रोसेस मैं करती रहती हूँ अपने सारे प्लांट्स में। एंड जो कंपोस्ट वगैरह हमको डालना रहता है तो वो भी मैं समय समय में डालती रहती हूँ, तो वो भी मैंने इसमें सेम प्रोसेस किया। सेम प्रोसेस से मैंने इसकी गुड़ाई भी की और इसमें कंपोस्ट वगैरह भी डाला दोनों प्लांट में। और जो किचन वेस्ट वाटर मैं यूज करती हूँ वो ही मैंने यूज किया। तो नॉर्मल जैसे मैं केयरिंग करती हूँ उसी तरीके से दोनों प्लांट की मैंने केयरिंग की जैसे हम करते हैं। अब मैं इसको आपको कुछ दिनों के बाद इसका रिजल्ट दिखाती हूँ दोनों प्लांट का।
आफ्टर 10 to 15 डेज दोनों प्लांट के आपको रिजल्ट सामने में दिखा रही हूँ कि दोनों प्लांट में क्या हुआ। पहला वाला जो प्लांट था जिसमें पहले से ऑलरेडी कलियां थी तो फ्लावर वगैरह अच्छे से हो गए थे उसमें और काफी सारे बर्ड और भी आ गई हैं, कलियां वगैरह आ गई थी इसमें। लेकिन जो नेक्स्ट वाला जो जिसमें आपने देखा होगा शुरू से वो वीक था, तो उसकी कंडीशन क्या हुई और उसमें जो एक दो फ्लावर वगैरह आए थे तो वो मैंने इसी में स्प्रेड कर दिया तो कुछ प्लांट ग्रो हो गए। तो अब आप देख रहे होंगे इसमें जड़ में ही प्रॉब्लम थी। आप ये देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी जड़ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, गीली हो चुकी है, फंगस लग चुका है और ये प्लांट भी डाय हो गया। थर्ड में आपको दिखा रही हूँ ये जो प्लांट आप देख रहे होंगे ये मेरे लेमन का प्लांट है, एक ही पॉट में ग्रो हुआ है। साथ ही साथ एक और प्लांट आपको दिख रहा होगा उसमें फ्लावरिंग वाला प्लांट है। तो लेमन का प्लांट काफी ज्यादा ग्रो हो चुका था, बड़ा हो चुका था तो मैंने इसको रिपोर्टिंग कर दिया था और दोनों को अलग कर दिया था क्योंकि पॉसिबल नहीं था इतने छोटे पॉट में दो प्लांट एक साथ ग्रो करना। तो मैंने इस प्लांट को निकाल दिया था, रिपोर्टिंग कर दी थी पॉट में और जो फ्लावरिंग वाला प्लांट है इसको मैंने इस पॉट में रख दिया था। और फिर उसके बाद जब मैंने इस पॉट से इसको शिफ्ट करना चाहा दूसरे पॉट में तो आप अंदर दिखाऊंगी मैं आपको कि क्या हुआ। सबसे पहले आप ये प्लांट को देखिए, इसमें जो जड़ है उसमें फंगस लग चुकी थी और ये पौधा भी मेरा जाने वाला था। तो हम हमेशा अपने पौधों पर ध्यान रखते हैं लेकिन हम उस चीज पे ध्यान नहीं रखते जिस पे हम अपने पौधे को ग्रो करवाते हैं, उगाते हैं। तो ये देख रहे हैं आप, तो इस पॉट में फंगस लग चुकी थी तो वो ही हमारे पौधों को खराब कर रहा था। तो मैंने सबसे पहले इन प्लांट को निकाल लिया और हमको रीजन पता चल गया कि किस कारण से हमारा पौधा जा रहा है। तो अगर हमको पता चल जाए कि किस कारण से हमारे पौधे डाई हो रहे हैं तो हम उनकी जिंदगी बचा सकते हैं। हम एक्सटर्नली उन्हें देखते हैं बट रूट में नहीं देखते हैं कि रूट में क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले मैं इस प्लांट को बचाने के लिए जो प्रोसेस करने वाली हूँ, इन प्लांट को पहले पानी में डाल दूंगी और अच्छे से इसकी रूट को वॉश कर लूंगी और देन इसके बाद इनको अपने पॉट में लगाऊंगी। तो वो प्रोसेस भी आप पूरा देख लीजिए कि किस तरीके से मुझे इसको लगाना है। तो सबसे पहले सारे पौधों को इसमें डाल दिया है मैंने। तो अब इसके बाद जो हम यूज कर रहे हैं इंग्रेडिएंट, टर्मरिक, जी हाँ हल्दी जो हमारे किचन में उपलब्ध है, हम घरों में जरूर यूज करते हैं सभी लोग। तो उसको देखिए मैंने मिट्टी में इस तरीके से स्प्रेड कर दिया है और मिक्स कर दूंगी अच्छे से। और इसके बाद हम अपने जो प्लांट है, पौधे हैं, उसमें भी अच्छे से इसको लगा देंगे क्योंकि हल्दी में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है तो हमारे पौधों के लिए भी वो लाभदायक है। और अगर हल्दी नहीं यूज करना चाहते तो मार्केट में ऑलरेडी फंजीसाइड अवेलेबल है, मिलते हैं, तो आप वो भी अपने पॉट में डाल सकते हैं और स्प्रे भी कर सकते हैं अपने प्लांट पे। तो मैंने नेचुरल फंजीसाइड यूज कर रही हूँ तो हल्दी को मैंने पॉट में भी डाल दिया है, साथ ही साथ इन पौधों की जड़ों में भी अच्छे से लगा दूंगी और इसके बाद हम अपने प्लांट को इसमें लगाएंगे। तो अच्छे से देखिए मैंने जड़ों में भी इसको लगा दिया है। अब इसके बाद हम अपने प्लांट को इसमें प्लांटिंग कर देंगे, लगा देंगे तो ये फंगिसाइड का काम करेगा। एक तो ये प्रोसेस था हमारी मिट्टी को अच्छे से फंजीसाइड फ्री करने का क्योंकि मिट्टी में भी काफी सारे बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंगस जो है वो हमारे पौधों को खराब कर देते हैं। तो इस तरीके से हमको अपनी मिट्टी को भी अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर हम अपनी मिट्टी को सही नहीं रखेंगे तो हमारे पौधे मिट्टी के कारण ही डाई हो जाएंगे क्योंकि हम पौधे का तो ध्यान रखते हैं लेकिन उसकी रूट कॉज को नहीं जानते हैं, रूट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो धीरे धीरे हम ऊपर का तो ध्यान रख लेते हैं लेकिन रूट को जब तक नहीं जानेंगे रूट में क्या प्रॉब्लम हो रही है तो हमारा प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस पौधे को बचा लिया है। तो इसी तरीके से आप अपने पौधों का ध्यान रखिए और अगर
पर से प्लांट ग्रो नहीं हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम दिख रही है, तो समझ जाइए कि नीचे कुछ प्रॉब्लम है, रूट में प्रॉब्लम है, रूट में फंगस लग रही है। तो आप इस तरीके से फंगिसाइड मार्केट से भी लाके डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं मिट्टी में, या फिर इस तरीके से होममेड फंगिसाइड आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये होती है ठंड के मौसम में, आप ओवर वाटरिंग ना करें अपने पौधों पे, ज्यादा पानी भी ना डालें, जितनी जरूरत है उतना ही पानी यूज करें। और ये पॉट का जो आप देख रहे हैं सर्कुलर पॉट है, तो इसमें मॉइस्चर ज्यादा देर तक रहता है, तो इन पॉट में आप अगर आप प्लांट ग्रो करते हैं तो उसका भी ध्यान रखिए। तो पहला प्रोसेस तो मैंने आपको दिखा दिया, अब दूसरा प्रोसेस मैं आपको फिर से दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से हमको स्प्रे बनाना है, नेचुरल स्प्रे जो हम अपने प्लांट में यूज करके अपने प्लांट को और बचा सकते हैं, स्प्रे करके किस तरीके से फंगस से क्योर कर सकते हैं मिट्टी में, साथ ही साथ अपने पौधों के लिए। और जो हम पेस्टिसाइड बना रहे हैं वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये जो है लेमन के जो पील्स हैं जो बच जाते हैं लेमन छिलके वगैरह, तो वो छिलके से हम अपना पेस्टिसाइड तैयार करेंगे। इसको मैंने छान लिया है, अब एक बॉटल ली है और स्प्रे बॉटल तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो ये लिक्विड को करीब करीब मैंने 3 ml करीब ये पील्स छान लिया है, और इसके बाद जो बेकिंग सोडा होता है खाने वाला मीठा सोडा वो डालूंगी, करीब 1 teaspoon हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। और इसके बाद इसमें पानी भर देंगे, और पानी भरने के बाद ये स्प्रे को यूज करेंगे अपने प्लांट में। अब इसको डाल लिया है और इसके बाद हमने पानी भर लिया है, और इसको अच्छे से शेक करेंगे इस बॉटल को, और फिर ये पानी को हम अपनी मिट्टी में भी यूज करेंगे, साथ ही साथ हम पूरे प्लांट में भी स्प्रे करेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है हमको, और हमने इसको मिक्स कर लिया है, अब हमारे प्लांट के लिए यूज करेंगे। तो चलिए अगर स्प्रे करने की बात आती है, तो जितने भी आपके पौधों में देखिए फंगस लगी है, इवन मेरे गुलाब के प्लांट में भी आप देख रहे होंगे मिट्टी में फंगस लग जाती है। तो हम हमेशा अपने पौधों पे ध्यान देते हैं लेकिन उनकी मिट्टी पे ध्यान नहीं देते। अगर आपकी मिट्टी सही नहीं होगी तो आपका प्लांट डाई हो जाएगा, मर जाएगा। तो आपको मिट्टी का ध्यान जरूर रखना है पौधों के साथ साथ, तो सभी पौधों में इस तरीके से आपको स्प्रे करते जाना है। और आपको ये याद रखना है सर्दियों के मौसम में आपको पौधों में ज्यादा पानी नहीं देना है, उसके कारण भी हमारे प्लांट मर जाते हैं। मेन प्रोसेस यही है, ज्यादा गीला नहीं होना चाहिए, जितनी जरूरत है उतना ही आप पानी डालें। एक्सेस पानी डालेंगे तो उसमें फंगस लगेगी। ये प्लांट भी मेरा पौधा जाने वाला था गुलाब का, तो मैंने इसको बचाया है, और हल्दी भी आप डाल सकते हैं। तो ये वीडियो का यही बताने का पर्पस था मेरा कि जिस तरीके से अगर हमारे जिंदगी में भी इस तरीके से कई बार प्रॉब्लम आती है कि हम किसी चीज से मायूस हो जाते हैं तो अपनी लाइफ को जीना छोड़ देते हैं, तो ये सब ना करें। आप इस प्लांट की तरह आप फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करें और नया जरिया ढूंढें कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। तो बस यही पर्पस था इस वीडियो के थ्रू ये मैसेज भी करने का। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपना और अपने पौधों का ध्यान जरूर रखिएगा।